आज भाई एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में मेरे को ना अभी हाल फिलहाल में पता चला है। बेसिकली हम में से काफी सारे लोग जानते हैं कि भाई हमें अपना व्हीकल खरीदा है। रेफरेंस के लिए यहाँ पे भाई ये वाली बाइक खड़ी हुई है R15, क्योंकि अभी डुका सुर का क्या सीन है, कल वाला वीडियो जिन्होंने देखा होगा वो अभी शोरूम पे ही है, काम हो गया, बाइक हो गई है, मगर अभी ना कुछ एक दो मुझे पेपर की फॉर्मेलिटीज करनी और पेमेंट वगैरह करना है, वो रह रहा है, जिस वजह से मैं नहीं लेके आया हूँ। और मेरा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी मैंने पेमेंट करी है, वो पूरा क्या प्रोसीजर है, पूरा क्या सिनेरियो है, वो चीज़ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको बताऊंगा कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज के स्कैम करके वाला वीडियो का टाइटल लाइन और बाहर का जो भी कुछ होगा सब कुछ आपने देखा है वो। सो रेफरेंस के लिए हमने R15 M को यहाँ पे खड़ा करा। तो भाई देखो इंश्योरेंस का क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आज तक हमने क्या सुना है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है, और जीरो डेप्थ का मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को यही पता होता है कि हमारी बाइक गई, क्रैश हुआ, शोरूम में छोड़ी, फाइल चार्जेस पे करे 500-700 हज़ार रुपये जितना भी है, और उसके बाद मान लो 50,000 का बिल बना, 30,000 का बिल बना है, जितने का ही बिल बनता है उसमें कुछ पार्ट्स पे कुछ परसेंट, मान लो जैसे कि कोई फाइबर का पार्ट है उसमें 100% नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी, मान लो 5% आपको पे करना है, 95% आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। बट जब पता चलता है कि भाई आपका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है और उसमें आपको पैसे सारे पे करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद जैसे मान लो आपने 1100, मान लो फॉर एग्जांपल 12,000 रुपये का आपने बिल पे करा, उसमें से आपको क्या नाम है 1,000-1500 रुपये कट के बाकी पैसे आपके अकाउंट में हफ्ते के बाद रिफंड आएंगे, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको ये समझा जाता था कि भाई अगर आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। बट जब आपका क्रैश होता है, आप शोरूम जाते हो और आपका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो इसका पूरा क्या सिनेरियो रहता है, बेसिकली ये कल मैंने पता लगाया है। क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि भाई मैंने जीरो डेप्थ करा लिया तो मेरी बाइक पूरी इंश्योर्ड है, कुछ भी क्रैश होगा जाके बाइक देनी है, फाइल चार्ज दूंगा, बाइक ठीक करके जब भी देंगे दे देंगे। बट होता क्या है, इन कंपनीज़ का टाइप रहता है अदर कंपनीज़ के साथ, जैसे ही आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला होता है तो ये लोग पहले ही आपको अलग अलग जगह से कॉल आने लगते हैं कि सर आपकी बाइक का या आपकी कार का इंश्योरेंस खत्म हो गया, आप करा लो, और वो लोग आपको एक प्राइस बता देते हैं पूरा, मतलब अपनी जो कोटेशंस होते हैं वो भेज देते हैं, कहते हैं 3-4 ब्रांड के अलग अलग कंपनीज़ के, कहते हैं कि ये कंपनी आपको इतने का इंश्योरेंस दे रही है, इतने का दे रही है, इतने का दे रही है, आपको कौन सा पिक करना है, कोई भी एक पिक कर सकते हो। बट जब बात आती है आप उनसे बोलते हो कि नहीं सर हमें आपका वाला जो इंश्योरेंस है वो नहीं चाहिए, हम खुद करा लेंगे, उस केस में क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मेरी ड्यूक का इंश्योरेंस खत्म हो गया था, 2 तारीख को मैंने पिछले साल परचेस करी थी इसको नवंबर में, तो इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया, मैंने 30 तारीख को रिन्यू करा लिया खुद से ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। आप कहीं से भी करा सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह हो गई, किसी से भी करा सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो मैंने अपना इंश्योरेंस खुद करा लिया, ये लोग मेरा इंश्योरेंस कर रहे थे ऑलमोस्ट 4,500 रुपये के आसपास, मेरा वो इंश्योरेंस काफ़ी कम में हो गया, लगभग 1,800-2,000 रुपये के आसपास, तो मैं क्यों नेसेसरी डबल पैसे पे करूँगा। है भाई सौरभ भाई आप बताओ, बिल्कुल भाई, जब कोई चीज़ मेरी 1,800 में हो रही है तो मैं उसी सेम चीज़ के लिए आप लोगों को 4,500 रुपये क्यों दूँ? देखो 4,500 देना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, समझदारी और बेवकूफ़ी वाली बात आती है ना, तो फिर तो मैंने कहा नहीं ठीक है मैं खुद करा लूँगा। मैंने एक कंपनी से अपना करा लिया, मैं नाम वगैरह नहीं बता रहा, तो मैंने अपना जब इंश्योरेंस कराया मेरा ऑलमोस्ट 1,800 रुपये का हुआ, जिसके अंदर मैंने जीरो डेप्थ वाला करवा के मेरे को मेरी बाइक की आईडी भी मिल गई, मतलब इंश्योर डिक्लेरेशन वैल्यू जो होती है कि मतलब उसके अंदर लिखा रहता है कि अगर आपकी बाइक का मान लो इतने रुपये तक का, फॉर एग्जांपल 3 लाख की बाइक है तो 2 लाख रुपये तक हम आपकी बाइक के अंदर इंश्योरेंस में कवर करेंगे, तो वहाँ मेरे को मेरी बाइक की आईडी भी अच्छी मिल रही थी, 2,10,000 के आसपास मिल रही थी, तो मैंने उनसे करवा लिया जहाँ से मैंने खुद कराया। और जो कंपनी वाले करवा के दे रहे थे, जो सामने से कॉल आया था वो मेरे को दे रहे थे आईडी भी 2,45,000 की, तो ज़्यादा पैसों का फर्क नहीं था, बट जब मैं इंश्योरेंस करवा रहा था तो वहाँ प्राइस में डिफरेंस था, वहाँ 1,800 से 4,500 का फर्क था। सो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मेरा इंश्योरेंस हो गया, बाइक का क्रैश हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, आप सब लोग जानते हो। उसके बाद बाइक गई KTM में, जाने के बाद मैंने कहा जी काम शुरू कर दो, छेड़ दो जंग। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि उसकी सस्पेंशन रॉड वगैरह डली है, वो सारी चीज़ें डली हैं, वो सारी चीज़ें होने के बाद वो मेरे से कहते हैं कि लगभग आपकी बाइक का, फॉर एग्जांपल मान लो, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कितने का बिल बनेगा, फॉर एग्जांपल मान लो 20,000 रुपये का बिल बन रहा है, ठीक है, तो उन्होंने कहा सर आपकी बाइक का 20,000 रुपये का बिल है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उन्होंने कहा नहीं सर आप हमें पे करोगे। तो भाई मैं तो जीरो डेप्थ का मतलब यही समझ रहा था ना कि फाइल चार्ज है और बस फाइल चार्ज पे कर दूंगा 500,000 रुपये 1,500 जो भी कुछ होगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर पहले आप हमें 20,000 रुपये पे करो, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके जो पैसे हैं ना लगभग 7 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में रिफंड कर देगी। क्योंकि जब मेरा इंश्योरेंस का काम हो रहा था उस टाइम पर उन्होंने बैंक की डिटेल्स भी कुछ ली थी तो वो मैंने दी थी, सो तो उसी अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा सर अगर ऐसा होना है तो इसका मतलब जीरो डेप्थ का मतलब क्या बचता है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस जो मैंने कराया उसका मतलब क्या बचा? तो उन्होंने मेरे को क्या बात बताई,
लाइक जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका भाई एक मतलब आप कह सकते हो कि बड़ा टर्नओवर रहता है, तो उनके हर अलग अलग ब्रांड की जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है सबके साथ टाई अप रहता है, तो वहाँ पे कस्टमर का रोल खत्म हो जाता है, बस कस्टमर को फाइल चार्ज देना है और उसके बाद मान लो गाड़ी में 2 लाख का खर्चा है तो वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करके पेमेंट वेमेंट करके जो भी कुछ रहता है सारा काम हो जाता है, तो कस्टमर को क्या रहता है, हाँ भाई मैंने 0 डेप्थ इंश्योरेंस था, फाइल चार्ज के पैसे पे करे और मेरी गाड़ी मुझे ठीक होकर मिल गई। बट वहीं पर जब बाइक के केस की बात आती है तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं क्यों पैसे पे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ना हो पैसे वो बंदा क्या करेगा ऐसे में। मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करो मेरी बाइक 10 दिन और खड़ी कर लो, 10 दिन बाद जब पेमेंट आएगी आप डायरेक्ट उससे इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, मैं 10 दिन बाद बाइक ले जाऊंगा। मैंने ये भी पूछा तो कह रहे सर देखो होता क्या है कि हमारे पास डेली के काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, सबका अलग अलग ब्रांड से वो रहता है इंश्योरेंस रहता है, किसी का कहीं और से रहता है, किसी का कहीं और से रहता है, तो हमारा हर जगह टाइप नहीं होता। बट मुझे ये बात इतनी ज़्यादा मतलब ठीक भी नहीं लगी क्योंकि यार देखो एक KTM कोई छोटा ब्रांड नहीं है चाहे कुछ भी हो। सर भाई आपके अकॉर्डिंग क्या है, बात ठीक है? उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब हमारा हर कंपनी से टाइप नहीं होता तो इसलिए कस्टमर को क्या करना पड़ता है कि कस्टमर हमें पे कर देगा और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कस्टमर को पे कर देगी। मैंने कहा अपने को इससे मतलब नहीं है ना कि क्या है भाई अपना exactly. मतलब गाड़ी तुमसे ली है उनसे नहीं है, आगे जो भी मेरी गाड़ी खड़ी है i20 छोटा सा भी काम होता है तो कुछ नहीं, सिर्फ फाइल चार्ज पे करना है बाकी एग्जैक्टली यही चीज मैं कह रहा हूँ कि यही चीज बाइक्स में भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला कि सर हम आगे इंश्योरेंस कंपनी को नहीं जानते। बस मैंने फिर उनसे एक चीज ये भी कही, मैंने कहा चलो ठीक है आप नहीं जानते, मान लो मैंने आपको पेमेंट कर दी, मेरे पास पैसे नहीं आते इंश्योरेंस कंपनी से, मैं क्या करूँगा? कह रहे सर जो हमारे पास सर्वेयर आया था ना इंश्योरेंस कंपनी से उसने ही आपके इन पार्ट्स पे सिग्नेचर करके गया, ये प्रूफ रहेगा। मैंने कहा सपोज बंदे पे किसी पे पैसे ना हो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, एंड जीरो डेप्थ का तो पूरा मतलब ही खत्म हो गया यहाँ पे। अब अगर बंदा ये सोचता है कि भाई मेरी बाइक का 0 डेप्थ इंश्योरेंस है मुझे कुछ पे नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं करना, पूरा अच्छे से पता लगा लेना। उन्होंने फिर कहा कि सर आपका इंश्योरेंस 0 डेप्थ तो है पर कैशलेस नहीं है। मैंने कहा ये तुम नया इसमें अजाब लेके आ जाओ कि अब तुम्हें कैशलेस भी पता करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? जब मैं इंश्योरेंस कंपनी वाली से मैंने बात करा जो इनकी शोरूम वाले KTM की तरफ से कॉल आया था कि सर इंश्योरेंस करा लो, मैंने कहा हाँ कराना है, कह रही सर मैं आपका 0 डेप्थ कर देती हूँ, 1 लाख का आपको एक्सीडेंटल लोन मिल जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। उसने भी एक भी बार मुझसे ये नहीं बोला कि सर आपका कैशलेस होगा क्या होगा। मैंने कहा 0 डेप्थ कैशलेस का मुझे तो आइडिया था ही नहीं, होता क्या ये एग्जैक्टली, क्योंकि वही चीज क्योंकि इतना कोई जाता ही नहीं है कि कोई बंदा इतना रखता नहीं भाई अपने को, ये मालूम है हमने क्लेम लिया है इंश्योरेंस उठाया है कल को क्लेम उठाना है तो अपने को सिर्फ 24 या 25 हज़ार रुपए का इंश्योरेंस है ड्यूक का। हाँ। जो मैंने सबसे फर्स्ट टाइम लिया था तो 25 हज़ार रुपए का इंश्योरेंस हुआ था, हालांकि उस इंश्योरेंस की कभी जरूरत नहीं पड़ी, 5 साल तक वैलिड है तो वो थर्ड पार्टी में। पर मैं यही तो मेरा सवाल है, अब मेरे को उसका जो मैंने करवाया फायदा क्या मिला? अब तो मेरा 1800 वाला है जो भी है वो, तो उसके अंदर ऐसा कह रहे हैं कि ये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये है भाई 0 डेप्थ का मतलब इनका ये नहीं होता कि आपको करके दे देंगे, आपको पैसे देते हैं, पैसे देने पड़ेंगे आपका। एक तरीके से पता है 0 डेप्थ में निकल सकता था अगर मैं उनसे 4500 वाला करवाता ना, क्योंकि उसमें बीच में इनका शोरूम का और इन लोगों का कमीशन रहता है, इनका कमीशन बन जाता, इंश्योरेंस यही होता, फिर ही अपने आप काम करवाते। अब इनका कमीशन मर गया, मैंने खुद काम करवा लिया, तो अभी कह रहा है कस्टमर को परेशान करो, जो मुझे बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये जो काम मैं भी पे कर रहा हूँ ये काम अगर चाहे तो ये इंश्योरेंस वाले खुद नहीं कर सकते, भी कर सकते। इन्होंने मेरे से बोला जब मेरी बाइक इनके पास गई कि सर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी में बात करो वो हमारे पास बंदा भेजेंगे। मैंने कहा मैं क्यों करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है तुम करो, क्योंकि मेरे चोट लगी हुई थी मैं जा नहीं सकता था, तो मेरी फोन पे बहस हो गई, तू तो मैं हो गई। मैंने कहा यार ये क्या तरीका होता है, मैं क्यों करूंगा, तुम अपना स्टोर खोल के क्यों बैठे हो यार, मैं क्यों करूंगा। फिर इन लोगों ने खुद करा, फिर उसके बाद भी एक दो चीजें पास नहीं हुई है, बट ठीक है उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इंश्योरेंस का ये बड़ा तगड़ा स्कैम लगा मेरे को, क्योंकि ये बात ना सौरभ भाई आप लिटरली आप एक बात सोचो कभी किसी को पता नहीं चलेगी जो मैं बता रहा हूँ भाई। जो तुमने कैशलेस बताया ना, हाँ। वाकई में मुझे कोई आइडिया नहीं था, जो अभी तुमने बताया, हाँ। जब तुम्हारे साथ गया था, हाँ। तब मालूम पड़ा कि भाई ऐसा भी कुछ है। कल पता चला, मतलब क्लेम में अगर कोई इंश्योरेंस लेता हूँ तो मैं ये पूछूंगा भाई कैशलेस है या नहीं है। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये कितना तगड़ा फ्रॉड वाला सीन है, आप देख सकते हो। अब आप ऐसा लगा लो कि मतलब आप इंश्योरेंस में करवा भी रखा है आपने और एक तरीके से नहीं भी करवा रखा है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आपको इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। और अब इंश्योरेंस कंपनी में एक तरीके से आपका 10-20 हज़ार रुपए फंसे रहेंगे, अब 8 दिन 10 दिन 15 दिन जब तक उनसे कॉल कर करके उनको डंडा नहीं करेंगे कि भैया हमारा पेमेंट करा तो पेमेंट करा, जब तक वो पैसे नहीं भिजवाएंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं सौरभ भाई जो हिडन रहती हैं, कभी निकल के सामने नहीं आती हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन कंसर्न यही था, जिसने भी एंड तक देखा होगा मे भी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात कि मतलब ये ऐसे 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 इनका पूरा सिनेरियो चलता है। अगर आप इनके तरीके से इनके कहने से काम करा लोगे, इसमें मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फेस हुआ है जो मतलब ये जो तुम्हारा क्लेम है, मतलब पहले आपको अमाउंट पे करना है, काम होने के बाद कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास अकाउंट में पैसा आएगा, ऐसा है ना?
अब मतलब सोचो जो जो तुमने पॉइंट रखा ना कि बंदे पास पैसा नहीं है, वाकई में अगर नहीं है ऑब्वियसली यार, यार कभी होते हैं कभी यार भाई देखो होते, ना? पैसा ऐसी चीज है, हो तो कभी बहुत और कभी ना हो कभी, तो कभी नहीं होता की भी हो जाती है बात, है ना? तो वो एक चीज है, तो उस चीज को लेकर मेरे को बड़ा कंसर्न लगा। मैंने कहा यार देखो सॉरी बात वही होनी है, इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसा आके केटीएम पे जाएगा। हाँ। मुझे थर्ड पार्टी क्यों बीच में रख रहे हो, मुझे हटाओ ना, आपस में आपस में कोलैब कर लो, आपस में कांटेक्ट करो, बिल्कुल मैं क्यों थर्ड पार्टी बनूं बीच में, जब तुमको क्लेम पास करना है। उनका उन्होंने मेरे को ये रीजन दिया कि सर हम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं जानते, आप हमारे लिए इस तरीके से रोल प्ले करोगे कि हम आपको भी जानते हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी को भी जानते हो, तो आप अभी अपनी जेब से दे दो, बाद में वो आपको दे देंगे। ये तो फिर पागल बनाने वाला बात है, परेशान करने वाली बात है। अब इसमें एक मजे की बात और है सौरभ भाई, मान लो मेरी बाइक ठीक हो गई, मैं वहां से बिल कटाऊंगा, जब मैं उस बिल की फोटो या फिर डिटेल्स जो भी होंगी इंश्योरेंस कंपनी को भेजूंगा तब पैसा आएगा, उसके बाद वो क्लेम में समझ रहे हो आप, जब तक मैं केटीएम में जाके बिल नहीं कटवाऊंगा ना तब तक इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी। हेल्थ इंश्योरेंस सुना है, सेम यही है, सेम चीज है, सेम यही है भाई, ले रखा है पता है। हाँ, हाँ, यही सेम है भाई, पहले आप पे करो बाद में फिर। इन्होंने मेरे से कहा अपने मेडिकल दो, चोट लगने, इन्होंने मेरे से एक चीज और मांगी, कह रहे सर जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे उस टाइम पे आपके पास कोई अपनी वीडियो वीडियो है? मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पे मतलब बंदा अपना मर रहा हो अपनी चीजें देखे खुद को संभाले या तुम्हारे लिए वीडियो बनाए? एग्जैक्टली मैंने यही वर्ड्स बोले थे। मैंने कहा आप मुझे बस इतनी बात का जवाब दे दो, सर कुछ तो प्रूफ होगा। मैंने कहा मेरे पूरे चोट लग गई, हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, बाइक पूरी टूटी पड़ी, तुम्हें और भी प्रूफ चाहिए? आप देख रहे हो उनकी बातें, मतलब कि क्लेम ना देना पड़े, ना देना पड़े, देख लो ऐसी बातें होती हैं। तो मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा पाला किस बंदे से पड़ा, इतने आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी। नीतू वगैरह की बात हुई थी, नीतू ज्यादा कुछ बोला नहीं। मैंने कहा तू मेरी बात करे, इन्हें मैं देखता हूँ। फिर मैंने बताया, तब जाके इन्होंने मेरा क्लेम व्लेम में पास कराया। मतलब ऐसे इनके सीन चलते हैं, अब देख लो भाई, बहुत घटिया है। तो मतलब ये चीज़ मुझे भाई पर्टिकुलरली गाइस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा यार एक बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास हैं पैसे, मैं दे दूंगा बाइक ले आऊँगा, जिस पर नहीं होगा वो बेचारा क्या करेगा, है नहीं, बैठा रहेगा वो, वेट करेगा भाई जब पैसा आएगा तब मैं काम करूंगा, तब बिल दूंगा, तब वहां से पैसा आएगा। एक तरीके से पैसा फंसाना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा पहले आपको, और उसमें भी पता नहीं कितने पैसे कट के आएंगे, कितना कितना आएगा कितना नहीं आएगा, 1000-1200-1500 कह रहा था कट के आएंगे, चलो जो भी है। तो देख लो भाई फिर कुछ ऐसा ही, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया था इंश्योरेंस स्कैम करके, कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि किसी के साथ ऐसे गलत मत करो ना, हम आपसे इंश्योरेंस कराएंगे तो आप सब करवा के दोगे, हम खुद अपने चार पैसे बचाएंगे तो आप कुछ नहीं करा के दोगे, कोई तरीका थोड़ी होता। क्या पता इनसे जीरो डेप्थ कराओ उसमें भी ये लोग ऐसा बोले कि आपका कैश लेस नहीं है, ये कोई जरूरी थोड़ी है, क्या मालूम ये सिर्फ हमारे पे ही बोल रहे, हो सकता है अपने पे भी बोल दें, अपने पे भी बोल दें और कि नहीं, क्योंकि केटीएम को ऐसे ही होगा कि हमें तो इंस्टेंट पैसा मिल जाए, हम नहीं जानते कल के दिन को, और इंश्योरेंस कंपनी इतना इनसे देगी नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं गाइस, उनसे भी लड़ूंगा बताऊंगा कुछ हुआ तो। फिलहाल वीडियो कैसा लगा मेक श्योर कमेंट डाउन करके बता सकते हो, अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन, तब तक के लिए बाय।